मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। देखो गाइस, इसने ऐसे नहीं बोला था, इसने ऐसे बोला था कि मुझे मेरी औकात पता लग गई। 4:33 हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे सारे गैस स्टोव वगैरह सब कुछ है भाई। तो देसी मुंडो, अभी जो है राजमा चावल वगैरह खा लिया हमने फुल पावर, और पेट पूरा फुल हो गया। टाइम हो रहा है अभी 1:50 हो रहे हैं, सो 3 बजे तक निकलेंगे हम। और ये दादू है, ठीक है, और ये पोता है, और ये दादू के साथ में आया है ट्रैक करने के लिए। और गोलू अभी भी राजमा चावल खा ही रहा है। तो हमारा खाना पीना कंप्लीट हो गया है, अब फिर यहाँ से हम ब्रह्मताल के लिए निकलेंगे। अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद से फिर निकलते हैं। मतलब भाई 10:30 बजे के आसपास में हम लोग लोहागंज से निकले थे, एंड उसके बाद से कैब किया था। कैब के बाद से मतलब 11:30 बजे के आसपास हम निकले थे, ट्रैक हमने स्टार्ट करा था, एंड 1:30 बजे हम पहुंच गए थे। 2 घंटे में हमने 7 किलोमीटर के आसपास कवर कर दिया। सो यहाँ से हम अली बुग्याल के लिए जा रहे हैं, जो कि 7-8 किलोमीटर अभी तो हमने कवर कर लिया, वो भी इतना ही होगा मेरे ख्याल से। सो शायद से 6-7 के आसपास बच जाएंगे अगर हमारी स्पीड सही रही तो। ये रहा हमारा नया बुग्याल को पहले हिंदी में समझो, बुग्याल क्या नाम है? ऋत्विक का मैदान। अच्छा ऋत्विक, मेरे चैनल का ना एक लोगो है, देसी मुंडे। बोलो देसी मुंडे। देसी मुंडे, ये लौंडे। सो भाई बहुत अच्छा लगा, ये भी दिल्ली में ही रहता है, रोहिणी के आसपास में, तो चलते भाई। A few moments later. अभी ना यहाँ पे एक कंपटीशन होने वाला है MSR और ऋतिक के बीच में, क्या कहते हैं उसे, हैंड फाइट, क्या कहते हैं उसे, पंजा, हिंदी में पंजा कहते हैं। देसी मुंडे, देसी मुंडे है तो पंजा पंजा लाएंगे। एक बंदा उस तरफ होता है, एक बंदा इस तरफ। हारने वाला हूँ मैं, रेडी रहना। ये हार जा, हार जा, हार जा। ये जीत गया लौंडा हमारा, ये विनर इज ऋत्विक। तो गाइस वी गॉट टी, चाय विद एक्स्ट्रा शुगर। लेटर दैट सेम इवनिंग। सो देसी मुंडो, अभी जो है 2:45 बज रहे, 2:45, और हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है। मैं सही बताऊं भाई, मैं ना 2 मिनट चलाऊं बस, और भाई हाँफने लगा हूँ, सांस फूल रही है। एंड ये देखो भाई कितनी स्टिफ चढ़ाई है, बिल्कुल ना खड़ी चढ़ाई है। अगर खड़ी चढ़ाई ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं भाई, देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। वैसे गाइड भी अब बता रहे हैं कि 8 किलोमीटर है, 6:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं 15 किलोमीटर मान के चल रहा हूं अपने लिए, और 8 बजे का टाइम मान के चल रहा हूं अपने लिए। बात तो सही है। देखते हैं भाई क्या सीन है क्या नहीं है, आगे अगर रुकेंगे फिर आपको अपडेट देंगे, कितने बजे रुके हैं, कितना चल गए, वो सारी चीज़ें आपको आगे बताएंगे। सो देसी मुंडो, अभी 3:20 हो रहा है, 2 किलोमीटर के आसपास हमने कवर कर लिया है, 6:30 बजे तक पहुंच जाएंगे जैसा कि ट्रैक वाले भैया बता रहे हैं। अभी हमारा 6 किलोमीटर रह गया है, 6:30 बजे तक बैठ जाएंगे। अभी हमने ब्रेक लिया है कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने का, सो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं एंड उसके बाद से निकलते हैं। सो देसी मुंडो, अभी फिर से हम रुक चुके हैं, ये हमारा दूसरा ब्रेक है। टाइमिंग के रिगार्डिंग अगर बात करूं, सो अभी 3:50 हो रहे हैं। हमारा प्लान ये हो रहा है अली बुग्याल के लिए, जो हमारा ट्रैक है मेन, वो हम कल कंप्लीट करेंगे। अली बुग्याल से पहले ही हम 10 किलोमीटर पहले ही हम रुक जाएंगे ढाबे पे, वहीं पे हम स्टे वगैरह करेंगे, टेंट नहीं लगाएंगे, टेंट हम सीधा अली बुग्याल पे लगाएंगे, वहीं पे हमारा खाना वगैरह का सब कुछ हो गया। उसके बाद सुबह ब्रेकफास्ट करके फिर हम अली बुग्याल के लिए और निकलेंगे। सो जो हमारे गाइड हैं रविंद्र भैया, वो ये कह रहे हैं कि अली बुग्याल के लिए अगर आप जा रहे हो तो सीधा है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ये जो स्टिफ चढ़ाई है बिल्कुल न्यू करके वो नहीं है, नॉर्मल ही है। सो वो थोड़ा जल्दी कवर हो जाएगा अगर नॉर्मल है तो एक्चुअली में। सो अभी तो भाई 10 मिनट का ब्रेक यहाँ पे फिर लिया हमने, ये हमारा दूसरा ब्रेक है, उसके बाद से फिर हम फिर चल रहे हैं। आप अगर ब्रेक लेंगे सो फिर मैं आपको दिखाऊँगा बाकी, यहाँ से व्यू देख लो भाई साहब। और ये 10,000 फीट पे हैं हम, 10,000 फीट पे
एंड इससे भी ऊपर आली बुग्याल है, वो आई गेस 20,000 या 25,000 फीट पे है, मतलब समझ रहे हो, और 101% वहाँ पे बर्फ़ मिलने की चांसेस है। सो देखते भाई कैसे करके कैंप वगैरह करते हैं, सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे, वीडियो में बने रहें एंड स्टे ट्यून्ड। बिदिना से 4 किलोमीटर आ गए गाइस, और हालत मेरे पैरों में तो ऐसा लग रहा है किसी ने 20-20 किलो के बट्टे बांध दिए हैं चढ़ाई में, इतनी स्टिफ चढ़ाई है भाई साहब। ये जो ट्रैक है ना, ये मेरे हिसाब से जो टूरिस्ट ट्रैक है उसका सबसे हार्ड भाई ट्रैक होगा भाई साहब। रूपकुंड का ट्रैक है ये और दो दिन का हम एक दिन में कवर कर रहे हैं। और जो मैं अपने आप को बोलता था ना भाई मैं ये ट्रैक कर लेता हूँ, मैं ये चढ़ गया, मैं त्रिउंड चढ़ गया, मैं वहाँ खीर गंगा चला गया, मैंने हेमकुंड साहिब ट्रैक कर लिया, सब बच्चे हैं भाई साहब। ये ट्रैक भाई साहब ट्रैक है, लिटरली मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। देखो गाइस इसने ऐसे नहीं बोला था, इसने ऐसे बोला था कि मुझे मेरी औकात पता लग गई। हाँ। और कहता है कि फॉरेस्ट और पहाड़ ना दूर से अच्छे लगते, आज पता लग गया कितना मुश्किल है वो खूबसूरती देखने के लिए। माउंटेन्स देखने में अच्छे लगते हैं, एक्सप्लोर करने में भाई उससे 10 गुना मुश्किल है भाई साहब। भाई ये मेहनत रंग लाएगी ऊपर पहुंच के, आप खुद देखो गाइस स्टिफ कितना है, बहुत ज्यादा स्टिफ है यार, बिल्कुल न्यू है। कितना डिग्री बोल सकते हैं गाइस, आप खुद एक बार सर्च करना इधर दिखा। हाँ भाई साहब 70 डिग्री चढ़ाई करके आ रहे हैं, मेरे पे दिखाना तेरे पे ही है। गाइस आप एक बार खुद सर्च करना गूगल पे रूपकुंड का जो ट्रैक है वो क्या है, वो क्या है, और ऊपर से 2 दिन का 1 दिन, और 2 दिन का ट्रैक एक दिन में कर रहे हैं हम, आप खुद चेक करना क्या है क्या नहीं है, पता चल जाएगा। लोग नीचे क्या कहते हैं वहाँ से, जहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट का क्या नाम है, अनरिवील ट्रैक है, इस पे हम कर रहे हैं अभी। पुलिंग से बिदिना में आके रुकते हैं, फिर नेक्स्ट डे फिर ट्रैक करते हैं हम, वहाँ पे सिर्फ हमने खाना खाया, एक घंटा रुके हम, फिर उसके बाद हमने फिर से ट्रैक स्टार्ट कर दिया और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। चलो और चले? हम आगे का चले, कंटिन्यू करते हैं भाई, लेट्स गो। ऊपर में कैंप साइड है बिल्कुल, भैया ये कौन सी लोकेशन है, क्या सीन है? ये तूल पानी पे अभी हम है, और हमें अभी 4 किलोमीटर और चलना है। आज ये लोग भी लॉजन से आए लेकिन इनका स्टे यहाँ पर, हमारे स्टे इससे 4 किलोमीटर और आगे होने वाला है, क्योंकि मैं दाद देता हूँ चारों लड़कों की, बहुत ज़्यादा इन्होंने आज चलाया और इतनी स्टीप चढ़ाई, भाई जी ने बता ही दिया कि खीर गंगा क्या है, तो पता लग गई, भाई ने एक्सप्लेन कर दिया पहले ही कि एक्चुअल इसकी क्या वो है डिस्टिनेशन, बहुत ज़्यादा लंबा हम आज चढ़े, 2 दिन का हम 1 दिन में कर रहे हैं, और सारे लड़कों को एक बार मेरी तरफ से जोरदार सैल्यूट। 4:33 हो रहा है ठीक है, एंड यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे सारे गैस स्टोव वगैरह सब कुछ है भाई, बिल्कुल ना सही सा मौसम लग रहा है, वैसे ऐसी ही अपना भी टेंट लगेगा। सो ये एक छोटा सा अपडेट देना था आप लोगों को, एंड अभी ब्रेक के लिए हम नहीं रुके हैं, हम बस ये जो व्यू आया ना ये सीनरीज आपको दिखाने के लिए रुके हैं, और भी इन्फॉर्मेशन वगैरह देंगे आपको, एंड बाकी का लोकेशन एक बार ओवरऑल लोकेशन देख लो भाई। सो लास्ट हमने ब्रेक लिया था 3:30 बजे के आसपास, अभी 4:35 हो रहे हैं, 4 किलोमीटर और रुकना है, तो भैया कह रहा है कि 5:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। सो सनसेट का व्यू शायद से मिल जाए हमें, सो चलते भाई अब लेट्स गो। भाई साहब ऐसा लग रहा है ना मिनी स्विट्जरलैंड, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है भाई, लोकेशन देखो देसी मुंडो। भाई साहब 5:50 हो रहे अभी, एंड फाइनली हम पहुंच गए। जो बंदे थे ना नीचे जो टेंट वेंट लगा रखे थे, वो कह रहे भाई तुम लोहागंज से आए हो, कुलिन से चढ़े, और भाई तुम इतनी जल्दी ऊपर भी आ गए, वो हमें लोकल बता रहे थे भाई। देखो गाइस यू ऑल नो दैट वी आर फ्रॉम दिल्ली एंड दे वर सेइंग हम लोकल है। ये भाई वहां उनका जो गाइड था ना वो शॉक हो गया था देख के कि अपन सही में एक दिन में सही में यार 2 घंटे का ब्रेक लेने के बाद यहां हाँ। पहुंचे हैं, और 2 दिन का रास्ता एक दिन में कवर किया हमने, 2 दिन का रास्ता। अबे तू ये देखना 1 घंटे में हमने
पांच किलोमीटर कवर करा है। हमने जहाँ पे हमने खाना खाया था राजमा चावल, राजमा चावल का भाई, वो एक से डेढ़ घंटे में कवर करा है हमने। छह सात किलोमीटर होगा वो भी। आराम से भाई, सोच अभी तो बस। और भाई सबसे मेन चीज होती है ना, अपना फोकस मत लूज करो भाई। सबसे बड़ी बात तो मैं इसको मानूंगा भाई, बोलू वो भाई बंदा फर्स्ट टाइम आया पहाड़ों पे, और भाई मजाक से हटके बहुत सही भाई, बहुत सही। हमारे जैसे बंदे ठीक है, हमने हिम्मत नहीं आ रही, लेकिन भाई ये बंदा भी हमारे साथ साथ चल रहा है, ये बात तो है बाबा। सो फाइनली वी आर एट द लोकेशन देसी मुंडे। और भाई सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या है, हैप्पी अप गाइस, सनसेट का व्यू मिलने वाला है आपको, टाइम लैप्स दिखने वाली है। सो स्टे ट्यून। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो MSR ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, और 50 कदम मान लो। भाई जयदीप जो है गिन रहा है कि कितनी सीढ़ियां हैं। मेरे बाद अगर किसी बंदे की मैं हैट्स ऑफ दूंगा ना भाई, जयदीप भाई को सर्जरी के बाद दो बंदा दो महीने रेस्ट लेने के बाद यहाँ चढ़ाई करना। मैं जब भी तो इसको पूछ रहा हूँ बार बार कि तेरा पैर ठीक है नहीं भाई, बहुत बड़ी बात है। आ गया, आ गया भाई, आ गया, आ गया, आ गया लौंडे। 40, 40, 41, 42 भाई साहब लोकेशन देखो भाई, कैंप लगा लो ओ भाई, क्या लोकेशन है भाई, भाई साहब ट्राइपॉड सेट करें यहाँ पे, बहुत जहर लोकेशन है भाई, बहुत जहर लोकेशन है भाई। यहाँ पे सोलर पावर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। और ये रहा जयदीप भाई साहब, वर्थ हो गया आना, वर्थ हो गया, अभी तो और जाना है हमें। To change your